वर्स्ट इज येट टू कम एक्चुअली। तो जैसे कि अभी हमारे पहली इंटरनेशनल कैजुअलिटी भी रफा बॉर्डर पे हुई थी, जहां पे हिंदुस्तान के एक्स पूर्व भूतपूर्व फौजी ऑफिसर बहादुर शाहबाज जी कर्नल काले साहब, जो यूएन के साथ में काम कर रहे थे, उनकी वहां पे शहादत हुई थी। तो देखिए, इसराइल को ये समझना पड़ेगा कि कहां तक, कितने लोगों की शहादत ऐसे देंगे वो, कितने लोगों को कुचलेंगे। ये बहुत सीरियस मैटर है। जो बचे कुचे लोग हैं बेचारे गाजा पट्टी में, उनके पास भी मदद नहीं जाने जाने, खाना पानी नहीं आ पा रहा, वो कैसे इसमें गुजारा कर रहे हैं मालूम नहीं उनको। उनको मालूम नहीं कि अगले पल में वो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उनके साथ जो साथी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, मासूम खवातीन, जो मजलूम हैं, उनको कुछ मालूम नहीं कि कौन इनमें से बचेगा, कौन नहीं बचेगा, क्या जिंदगी होगी उनकी। इसराइल को ये सोचना चाहिए कि जब तक वो इतने लंबे करते रहेगा, उनके जो होस्टेजेस हैं हमस के पास, वो खतरे में पड़ जाएंगे। और हमस को भी ये सोचना चाहिए कि भाई उन होस्टेजेस को छोड़ना चाहिए। अगर जी वो हमस पकड़ के बैठा रहेगा उन होस्टेजेस को, तो इसराइल ये तबाह हमले करते रहेगा, रुकने नहीं वाला। ये कब तक यहाँ पे तू तू मैं चलने वाली है, कब तक यहाँ पे तबाह हमले होने वाले हैं, कब तक यहाँ पे इंसानियत का खात्मा होने वाला है। ये कभी तो समाप्त होना चाहिए ना, कभी तो। अब आप देखिए कैसे भूखे प्यासे रमजान के वक्त, रमजान के मुकद्दस महीने में इस कदर तड़पे लोग, जी ईद पे तड़पे, अब तड़प रहे हैं। इसका अंत कब होएगा इसका? तो जी हाँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी और खराब होने वाले हैं वहां के हालात, बदकिस्मती से। जी बिल्कुल, क्योंकि हालात किसी भी सूरत में सुधरने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। और जिस तरीके से जो सामान आया था यहाँ पर इमदाद के तौर पर, जो ट्रक आए थे उनमें भी आग लगा दी गई है, और ऐसे में जिस तरीके से लोग वहाँ पर परेशान हैं, उनको किस तरह सहूलियत मुहैया कराई जाए, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा जरूर जा रहा है कि वो फिलिस्तीनियों के साथ है, और वो लगातार ये भी कह रहा है इसराइल से कि अब जंगबंदी की जानी चाहिए, लेकिन जो फिलिस्तीनी है वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को समझ रहे हैं यहां पर, तभी उनकी तरफ से भी नाराजगी अमेरिकी जो सरकार है उनके सामने देखने को मिल रही है हमें। बिल्कुल 100%। देखिए, जो दरकुमिया चेक पॉइंट पे, जो वेस्ट बैंक पे हुआ, वो रोज हो रहा है वैसे, ये अभी समझ में आ रही है। और जो अमेरिका का दुबला रवैया है, जी उनके हाथ के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, दिखावे से तो हम शांति के साथ में हैं, हम चाहते हैं कि ये सीजफायर हो जाए, हम चाहते हैं ये जंग रुक जाए, आप कर क्या रहे हैं ऑन ग्राउंड। एंथनी ब्लिंकन साहब, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वहां से आते हैं, अमेरिका से मिस्र पहुंचते हैं मीटिंग के लिए, नतीजा कुछ नहीं निकलता है। टॉक्स पे टॉक्स हो रही है, टॉक्स पे टॉक्स, तारीख पे तारीख, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई नतीजा निकल कर नहीं आ रहा है। मासूम लोग वहां पे मारे जा रहे हैं। अब आप देखिए, इसका बदकिस्मती से जो हमस ने जो किया 7 अक्टूबर को, बहुत ही गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था ऐसे। वो एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है, कई मुल्कों ने इनको बैन करार दे रखा है, मगर जो मासूम मजलूम जो मारे गए हैं, उनके अंदर जी अब ये भावना पैदा होगी, जहर पैदा होगा, बदकिस्मती से नहीं होना चाहिए ऐसा जहर पैदा। जी मैं यही बात करता अगर यही चीज इसराइल के अंदर हो रही होती और यहूदी मरे होते, तभी मैं यही कहता, तभी मैं यही कहता। मैं ये नहीं है कि यहूदी है या अरब है या मुसलमान है या आप, जहां पे भी मैं देख रहा हूं, केवल मौतों से ही नहीं, भूखे प्यासे जो एड पहुंचाई जा रही है उसको भी रोकना, इंसानियत का खात्मा हो रहा है। ये जी जी हम कजा कर रहे हैं भाई, जानवर इससे तो बेहतर जानवर है, जानवर तो हमसे ज्यादा समझदार है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक छोटी सी बात है, कल मैं जिक्र कर रहा था कि मैंने एक रील देखी, जहां पे जो तेंदुए होते हैं लेपर्ड, जी जी लेपर्ड ने जीब्रा को बख्श दिया। जीब्रा के वो उम्मीद से था, थी वो जीब्रा, बल्कि तो जानवरों को इतनी समझ है, जानवरों को इतनी समझ है, इंसानों को नहीं है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। ये लाइनें याद आती है, देखते संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो इसराइल को ये बात कैसे भी ये समझनी होगी, बिल्कुल, और हमस को भी। जी 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 बिल्कुल। और मदद कैसे पहुंचाई जाए ये भी अहम चीज है यहाँ पर, क्योंकि सड़क के रास्ते तो लगातार ट्रकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, और उसमें जो सामान रखा हुआ है उसको भी आग के हवाले कर दिया जा रहा है यहाँ पर। तो क्या सिर्फ समुद्री रास्ते के जरिए ही इन लोगों को इमदाद पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि अमेरिका भी यहाँ पर यही कह रहा है।
देखिए समुद्री रास्ते की ओर से जो लाल समुद्र है वहां से जितने भी हाउथी रेबल्स हैं वो एक्टिव हैं, ईरान यमन बैक्ट वो वहां पे एक्टिव हैं। तो जी जो भी वहां पे कोई भी शिप देखते हैं या कोई भी शिपमेंट देखते हैं, कोई भी कार्गो देखते हैं, जिनको उनको शक होता है कि इनके ताल्लुकात हैं या तो वेस्ट से या तो उनपे ये हमला कर देते हैं सीधा, ये आगे कुछ पूछते नहीं है। टचवुड, हिंदुस्तान एक ऐसा देश बचा हुआ है जहां तक अब तक किसी ने, मैं जुर्रत की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा इज्जत हमारी इतनी है, किसी ने इज्जत के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे हिंदुस्तानियों से कुछ ऐसा। अभी जब ये रफा बॉर्डर में जो कर्ण काले की शहादत हुई, हालांकि उनको जो गोला गिरा वो पूछ के नहीं आया होगा कि हिंदुस्तानी हो या फलस्तीनी हो या कहीं के भी हो, लेकिन हिंदुस्तानी की इतनी इज्जत है दुनिया भर के स्थल पे कि कोई हिंदुस्तान से मेस नहीं करेगा कोई भी। यहाँ पे हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे अच्छे ताल्लुकात ईरान से भी हैं, हम डील भी कर रहे हैं 10 साल की ईरान से। यहाँ पे हिंदुस्तान के ताल्लुकात इसराइल से भी हैं, हम डिफेंस डील उनसे भी करते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान के ताल्लुकात रूस से भी हैं, हिंदुस्तान के ताल्लुकात यूक्रेन से भी हैं, जी हिंदुस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से भी हैं, केवल दो वाहिद मुल्कों को छोड़ के, चीन और पाकिस्तान। तो अब यहां पे मदद पहुंचाई कैसे, पहुंचाएं कैसे, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जी देखिए जो मुल्क जिनके जो न्यूट्रल पक्ष में है, जिनकी दोस्ती अच्छी है, वो इसमें बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बिना बातचीत के बात की जाएगी तो आप देख रहे हैं जो नतीजा, जहां पे भी जैसे भी, अगर यूएन की, वहां पे यूएन को नहीं छोड़ा भैया, इसराइल ने यूएन को नहीं छोड़ा वहां पे, हालांकि ये पूछ के नहीं गिरा गोला के यूएन का है या फलस्तीनी है। शहादत शहादत होती है, लेकिन अब ये डायलॉग बातों से कैसे भी, वेदर यू लाइक इट और नॉट, लंप इट, इसराइल को ये बात समझनी पड़ेगी और हमस को कैसे तैसे भी वो बंधक छुड़ाने ही पड़ेंगे भाई। जी, और बंधक जब तक नहीं छूटेंगे तब तक हालात इसी तरीके से बने रहेंगे, और सीज फायर को लेकर जो भी बात चल रही है कहीं ना कहीं फेल ही होती हुई हमें दिखाई देगी। वहीं क्रॉसिंग खोलने की भी बात यहां पर मोहम्मद अली शाह जी सामने आ रही है, और हमने देखा जिस तरीके से वजीर दिफा है जो दोनों देशों के, अमेरिका और इसराइल की, उन्होंने बातचीत भी की है इस बात को लेकर कि क्रॉसिंग को खोलना यहां पर बहुत अहम हो जाता है अगर लोगों को इमदाद सही तरीके से पहुंचानी है तो। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जो डिफेंस सेक्रेटरी है अमेरिका के लॉयड ऑस्टन, उन्होंने बात करी इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट से, और काफी बात रही, आई होप फ्रूटफुल रहे। तो अब हम क्रॉसिंग की बात करें या रफा बॉर्डर की बात, काला पट्टी की, इसराइल तबाहकुन हमले कर रहा है, बेरहमी से कुचला जा रहा है वहां पे मजलूमों को हजारों की तादाद में। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कभी ऐसे लोगों का जबरदस्त तरीके से, बहुत लोगों ने उनकी तुलना करी है हिटलर से, जनोसाइड बुलाया है, क्योंकि मासूम लोग मारे जा रहे हैं ना। अगर हमास का खात्मा करना इतना आसान नहीं है, ये भी मालूम था आपको, आपको मालूम था कि उन्होंने जी गुफाएं जी छोड़ रखी हैं, खुद रखी हैं, आपको मालूम है कि हमास की लीडरान, उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो बाहर रहती है कतर में और अन्य देशों में। तो आपके अच्छे ताल्लुकात भी हो, वो सामने उनको आना होगा, जी नहीं जी तो और तरीका मैं देख ही रहा, यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख ही रहा मैं कुछ। जी जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब मदद